Good morning everyone. Today I am going to teach chapter number 2. The name of the chapter is You Asked For It. इसका मीनिंग है स्टूडेंट हिंदी में आपने इसके लिए पूछा, ठीक है। ये हमें तब पता चलेगा जब हम पूरा लेसन रीड करेंगे कि इस लेसन का ये नेम क्या है, ठीक है। आपने इसके लिए पूछा। लेट अस स्टार्ट। रॉबिन वॉज 8 years old एंड वॉज गोइंग टू टर्न 9 इन अ फ्यू वीक्स। रॉबिन एक लड़का है जो कि 8 साल का है, ठीक है। एंड वॉज गोइंग टू टर्न 9 इन अ फ्यू वीक्स, और कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही दिनों में वह 9 years का हो जाएगा। हिज पेरेंट्स गॉट हिम अ लॉट ऑफ टॉयज फ्रॉम द मार्केट। उसके पेरेंट्स ने उसको मार्केट से बहुत सारे खिलौने ला कर दिए। मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स विश्ड दे हैड एज मैनी थिंग्स टू प्ले विद एज रॉबिन डिड। बहुत सारे उसके फ्रेंड्स यह कामना करते थे कि उनके पास भी ऐसे ही खिलौने हों जैसे कि रॉबिन के पास हैं। स्टूडेंट टॉयज का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, खिलौने, ओके। फ्रेंड्स क्या होते हैं? दोस्त। इवन दो रॉबिन हैड ऑल काइंड्स ऑफ टॉयज ही वॉज नॉट हैप्पी। पहले ही रॉबिन के पास बहुत प्रकार के खिलौने थे, ठीक है, अलग अलग तरह के टॉयज थे, पर फिर भी वह खुश नहीं था। ही ऑल्सो हैप्पी क्या होता है स्टूडेंट? खुश होना, ओके। ही ऑल्सो हैड मैनी फ्रेंड्स कमिंग ओवर ऑल द टाइम टू प्ले विद हिम, बट देयर वॉज स्टिल समथिंग दैट ही रियली वॉन्टेड वेरी मच। उसके बहुत सारे दोस्त भी थे जो सारा दिन उसके पास आते थे खेलने के लिए। ज़्यादातर टाइम उसके फ्रेंड उसके साथ स्पेंड करते थे, बट देयर वॉज स्टिल समथिंग दैट ही रियली वॉन्टेड वेरी मच। पर कुछ ऐसा था जो कि असल में वह चाहता था। स्टूडेंट यू सी द पिक्चर, दिस इज रॉबिन, ओके। सो व्हाट डिड रॉबिन रियली वॉन्ट? दिस इज व्हाट एवरीवन आस्क्ड रॉबिन एज हिज बर्थडे केम क्लोजर, ठीक है। अब सभी का एक ही सवाल था रॉबिन से कि व्हाट डिड रॉबिन रियली वॉन्ट, क्या असल में रॉबिन को क्या चाहिए, क्या चाहता है वो। दिस इज़ व्हाट एवरीवन आस्क्ड रॉबिन एज हिज बर्थडे केम क्लोजर। सभी यही प्रश्न क्यों पूछ रहे थे? क्योंकि उसका बर्थडे जो है नज़दीक आ रहा था। रॉबिन गेव द सेम रिप्लाई टू एवरीवन। रॉबिन ने सभी को एक ही आंसर दिया। आई वॉन्ट अ लिटल पपी, मुझे एक छोटा पपी चाहिए। पपी क्या होता है स्टूडेंट्स? छोटे छोटे डॉग नहीं होते हैं, पिल्ले जिसे हम कहते हैं, वो उसे क्या क्या कहते हैं? पपी। कहता है मुझे लिटल पपी चाहिए। आई वॉन्ट अ क्यूट लिटल पपी हु विल प्ले विद मी ऑल द डे। मुझे एक छोटा लिटल पपी चाहिए जो सारा दिन मेरे साथ प्ले करे, खेले। प्ले का मीनिंग क्या होता है? खेलना। क्यूट होता है बहुत प्यारा सा, ओके। तो वो ऐसा पपी चाहता है जो सारा दिन उसके साथ प्ले करे, खेले। ही वॉन्टेड अ लिटल पपी हु वॉज स्मॉल इनफ टू फिट इन टू हिज पॉकेट। उसको एक ऐसा पपी चाहिए था जो कि बहुत छोटा हो, काफ़ी छोटा हो उसकी पॉकेट में आने के लिए। बट हु वॉज क्यूट एंड फरी, लेकिन वो प्यारा और फुर्तीला हो। क्यूट का मीनिंग स्टूडेंट्स क्या होता है? प्यारा। फुरी का मतलब होता है फुर्तीला। आप लिख भी सकते हैं इसको, राइट कर लीजिए। क्यूट का मीनिंग प्यारा एंड फरी का मतलब फुर्तीला। एंड वुड लिक हिज फेस, और उसका फेस को चाटे। लिक होता है स्टूडेंट चाटना, ठीक है। और जैसे हम देखते हैं ना डॉगीज की आदत होती है, किसी के पास पैट डॉग हो तो वह उसके फेस को चाटने लग जाता है, ठीक है। तो वुड लिक हिज फेस, वो चाहता था कि उसके फेस को चाटे। एंड सिट ऑन हिज लैप, लैप क्या होता है स्टूडेंट? गोदी। और वो चाहता था कि वह उसकी गोदी में बैठे, ओके। एंड लुक एट हिम विद प्योर ट्रस्ट एंड लव, और उसकी तरफ बहुत ही प्यार से और विश्वास से देखे, ठीक है। ट्रस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? विश्वास। लव क्या होता है? बहुत ही प्यार, ठीक है। वो क्या चाहता था? उसको सब ये पूछ रहे थे ना कि तुम्हें क्या चाहिए,
क्या चाहते हो, क्यों वह उदास सा रहता था। तो उसने क्या कहा कि मुझे एक छोटा सा पपी चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत ही प्यारा और फुर्तीला हो, उसके फेस को चाटे और उसकी गोदी में बैठे और उसकी तरफ बहुत ही प्यार और विश्वास के साथ देखे। ओके, रॉबिन वॉन्टेड टू टेक द पपी फॉर लॉन्ग वॉक्स एंड एडवेंचरस जर्नीज। रॉबिन अपने पपी को एक लंबी सैर और एक रोमांचिक सैर पर लेकर जाना चाहता था। ही हैड रेड सो मैनी एडवेंचर स्टोरीज ऑफ लिटिल बॉयज़ विद देयर पेट डॉग्स। उसने बहुत सारी रोमांचिक कहानियाँ पढ़ी हुई थी छोटे बॉयज़ के बारे में, छोटे लड़कों के बारे में उनके पेट डॉग। पेट डॉग क्या होते हैं? पालतू डॉग्स, कुत्ते, ठीक है, अपने उसके छोटे बच्चों के बारे में उनके पालतू जानवरों के साथ, ठीक है, बहुत सारी उसने ऐसी कहानियाँ पढ़ी हुई थी। ही थॉट इट वॉज हाई टाइम ही हैड वन ऑफ हिज ऑन। हाई टाइम क्या है स्टूडेंट्स में? उच्च समय, ठीक है, उसने सोचा कि यह उच्च समय है, सही समय है कि उसको एक अपना मिल जाएगा। ही हैड वन ऑफ हिज ऑन। ही न्यू ही वॉज रेडी टू हैव ए पेट। वह जानता था कि वह अब पेट के लिए पूरी तरह से तैयार है। ही फेल्ट इन इट इन हिज बोन्स। स्टूडेंट ही फेल्ट इट इन हिज बोन्स मतलब उसके एक अंदर, अपने अंदर से सोचा, ठीक है, अंदर से उसको ऐसा लगा कि वह पूरी तरह से अब तैयार है। स्टूडेंट इस पैराग्राफ में एडवेंचर का मीनिंग क्या होता है? रोमांचिक। ओके, रोमांचिक। स्टोरीज क्या होता है? कहानियाँ, ठीक है। फेल्ट मतलब फील करना। ओके, ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पैरा। रॉबिन्स पेरेंट्स, हिज ग्रैंड पेरेंट्स, हिज अंकल एंड हिज आंट्स ऑल स्माइल्ड ऑन हियरिंग व्हाट रॉबिन वांटेड। रॉबिन के जो पेरेंट्स थे, ठीक है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, वो सारे हंसने लगे यह सुनकर कि रॉबिन को क्या चाहिए, ठीक है, उनको हंसी आ गई जब उन्होंने यह सुना। तो रॉबिन्स मदर वॉज अ बिट वरिड। रॉबिन की मदर जो थी, मम्मा थी उसकी, वह थोड़ी सी चिंतित थी। शी फेल्ट अ पपी वुड डर्टी द हाउस। वह सोच रही थी कि जो पपी होगा वो सारा रूम गंदा कर देगा, ठीक है, पूरे घर को, सॉरी, हाउस लिखा है तो पूरे घर को गंदा कर देगा। एंड रन ऑल ओवर द लिटल विद लिटल मडी पॉज। स्टूडेंट मडी क्या होता है? गंदे। पॉज क्या होता है? पंजे, ठीक है। उसने कहा कि वह अपने गंदे पंजों से सारे घर को गंदा कर देगा, जब वह दौड़ेगा तो उसके जो पंजे हैं लगेंगे ना नीचे, तो वो कहती है कि सारा गंदा कर देगा। शी वॉज कंसर्न दैट रॉबिन मे नॉट बी एबल टू लुक आफ्टर द पपी वेल एंड द फैमिली वुड हैव टू वरी अबाउट होम टू लीव द पपी विद वैन दे वेंट ऑन हॉलीडे, ठीक है। यह उसके लिए चिंता का एक विषय बन गया था कि रॉबिन अभी तक पूरी तरह से एबल नहीं है कि वह पपी की देखभाल कर सके, ठीक है, और फैमिली को क्या चिंता हो रही थी? फैमिली को यह चिंता थी कि वह उनकी पपी को कहाँ पर रखेंगे जब वह कहीं पर हॉलीडेज के लिए जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसकी मम्मा सोच रही थी, ठीक है। कंसर्न क्या होता है? चिंता। ओके, बट ऑल दिस वॉज नॉट रॉबिन कंसर्न। पर इसको रॉबिन को इससे कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, उसको इसकी कोई चिंता नहीं थी। डेज पास्ड एंड फाइनली इट वॉज रॉबिन्स बर्थडे। दिन बीते और उसका, रॉबिन का जन्मदिन आ गया। देयर वॉज अ डिलीशियस केक विद 9 candles ऑन इट। डिलीशियस क्या होता है स्टूडेंट? वेरी गुड टू ईट, कि खाने में बहुत स्वाद, ठीक है। वहाँ पे एक डिलीशियस केक था विद 9 candles, ऊपर क्या 9 candles थी। एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स टू इट, और बहुत सारी चीज़ें भी थी खाने में। जैसे स्टूडेंट किसी का बर्थडे मनाते हैं तो हम वहाँ पे एक केक होता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना साथ खाने के लिए, तो वैसे था वहाँ पर एक डिलीशियस केक था जिसके ऊपर 9 candles लगी हुई थी एंड अदर बहुत सारी और भी चीज़ें थी खाने के लिए। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल केम टू विश रॉबिन। बहुत सारे लोग वहाँ पर आए रॉबिन को विश करने के लिए। एंड दे ब्रॉट हिम गिफ्ट्स, और वह उनके लिए क्या, रॉबिन के लिए सारे क्या लेकर आए थे? गिफ्ट्स लेकर आए थे। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द पार्ट फर्स्ट ऑफ चैप्टर 2।
प्लीज़ रीड इट एंड अंडरस्टैंड. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.